हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर चलूँगी चित्रकूट के रामघाट पर और कामतानाथ मंदिर। ये है पार्ट वन, और वीडियो के पार्ट टू में मैं आप लोगों को गुप्त गोदावरी, सती अनसुईया और रामघाट के 7 बजे की जो शाम की आरती होती है वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। चित्रकूट आने के लिए मैं उतरी करवी स्टेशन पर। करवी स्टेशन से आपको रात में भी टैक्सी मिल जाएगी जो कि आपको रामघाट तक लेकर जाएगी। आप वहां पर रूम लेकर स्टे कर सकते हैं एंड मॉर्निंग में आप दर्शन के लिए निकल सकते हैं। तो मैं देखिए आ गई हूँ रामघाट पर। ये बिल्कुल मॉर्निंग का व्यू है, अभी धूप भी अच्छी तरीके से नहीं निकली है। ये देखिए रामघाट पर हम लोग पहुँच गए हैं और व्यू इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो आप कुछ चार्ज पे करके बोटिंग कर सकते हैं। आपको इस तरह से दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर आपको बच्चों के लिए टॉयज मिल जाएंगे, प्रसाद मिल जाएगा और खाने पीने के भी कुछ सामान आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कहा जाता है कि तुलसीदास जी को राम जी ने रामघाट पर ही दर्शन सबसे पहली बार दिया था। तो अब मैं शाम को आपको आरती के टाइम रामघाट पे फिर से लेकर आऊँगी। अभी हम चलते हैं कामतानाथ मंदिर की तरफ। तो कामतानाथ मंदिर में आ गई हूँ। आपको इस तरह से प्रसाद की दुकान मिल जाएंगी जहाँ पर आप अपने चप्पल जूतों को उतार कर मंदिर की तरफ चले जाएंगे। ये देखिए बाहर से कामतानाथ मंदिर। कहा जाता है यहाँ पर मान्यता है कि जो भी अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर चुंडी को बांधता है उसकी मनोकामना जल्द ही पूरी होती है। चलिए आप चलते हैं अंदर की ओर। तो अंदर जाने के लिए कुछ इस तरह सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सामने ही आपको दर्शन हो जाएंगे। श्री राम लखन जानकी के, और इनके बगल में है कामतानाथ जी। तो आप इधर पहले दर्शन कर लीजिए, फिर मैं आपको कामतानाथ जी के भी दर्शन कराती हूँ। तो देखिए ये है कामतानाथ जी। परिक्रमा स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आपको रास्ते में बहुत सारे भगवान की प्रतिमा भी मिल जाएगी और आपको रास्ते में खाने पीने की भी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको रास्ते में मिल जाएगा। कामतगिरी परिक्रमा की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। इसी तरह से आप दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएं। पूरी मंदिर की परिक्रमा करने के बाद फिर से कामतानाथ जी के मंदिर में जाना होता है और वहां पर दर्शन करने होते हैं। आपको परिक्रमा करते हुए बहुत सारे बंदर मिल जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं, बस आप इनको छेड़िए नहीं।
अगर आप चलकर नहीं जा सकते हैं तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं, भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए परिक्रमा हो गई है कंप्लीट और हम लोग फिर से पहुंच गए हैं कामतानाथ जी के मंदिर। अब अंदर हम लोग फिर से दर्शन करेंगे। तो परिक्रमा कंप्लीट हो गई है, आगे हम लोग बढ़ते हैं गुप्त गोदावरी की तरफ। तो उसके लिए आपको पार्ट टू देखना होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।